बाबा ये ना अव्यक्त वाणी में एक पॉइंट आया है कि जो यज्ञ की सच्ची सेवा करेंगे उनको मनिच्छित फल मिलेगा। जो यज्ञ की सच्ची सेवा करेंगे उनको मनिच्छित फल मिलेगा, ऐसा अव्यक्त वाणी में। मनुष्य में उनको मन इच्छित फल मिलेगा, मन इच्छित। हाँ हाँ, जो यीशु की सेवा करेंगे सच्चाई से उनको मन इच्छित फल मिलेगा, इसका अर्थ। मन इच्छित मन तो गड्ढे में भी ले जाता है, मनमानी इच्छा क्यों करना है? जो ईश्वरीय कायदे के अनुसार है सो इच्छा करें, श्रेष्ठ इच्छाएं करें न कि स्वार्थ की इच्छाएं करें। मनवांछित फल तो जगदम्बा देती है, जगदम्बा सर्व मनोकामना की प्राप्ति करते कराती है। लक्ष्मी से धन की प्राप्ति होती है, धन भी कौन सा है? धन खुद कमाती है दुकानदारी करके या शिव बाबा का दिया हुआ धन देती है? तो इसीलिए उसकी श्रेष्ठ पूजा है। अपने पास तो क्या है, खक्का है सिवाय कखपन के। मनुष्य आत्मा के पास तो कुछ है ही नहीं।